दोस्तों, वीडियो के टाइटल से तो आपको पता लग गया होगा कि आज हम वेब सीरीज के बारे में दोबारा डिस्कस करने वाले हैं। हमारे संस्कारी वेब सीरीज देने का मतलब ही है कि आज हम कुछ अलग तरीके से इस वेब सीरीज को देखेंगे और जितने भी वेब सीरीज हैं उसमें क्या गलत है क्या अच्छा है उसके ऊपर नज़र डालेंगे। अंत में कुछ ऐसे वेब सीरीज के नाम भी हम जानेंगे जिसको हम पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं और मजा ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, स्वागत है आपका बातों के तड़का YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक समय था जिसमें हम फिल्म को एंटरटेनमेंट का एकमात्र स्रोत मानते थे और उसको ही एंजॉय करते थे। उसके बाद शुरू हुआ चैनल्स और सीरियल्स का दौर जिसपे बहुत सारे सास बहू से लेके माइथोलॉजी, पॉलिटिक्स और एडवेंचर के ऊपर सीरियल्स बनने लगी और बहुत लोकप्रिय भी होने लगी। फिर एक दौर अब आया है वेब सीरीज का जहाँ पे बहुत सारे एपिसोड को एक बार में रिलीज किया जाता है, यूजर को एक बार में ही दिखाया जाता है। इस पे डिपेंड करता है यूजर्स को कि वो कब तक इसको निपटा लेते हैं और इसके नए सीरीज को वेट करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में वेब सीरीज का कुछ अलग ही महत्व है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज हो, हिंदी में हो या फिर कोई और रीजनल लैंग्वेजेस में हो, मगर सबका एक ऑडियंस लेवल अलग ही है जिसको लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस वेब सीरीज को रिलीज करने के लिए इनके पर्टिकुलर चैनल भी खुला गया है, एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है जहां पे आप कुछ पैसा देके या फिर फ्री में ये सब देख सकते हैं। इन वेब सीरीज की एक और खासियत ये है कि समाज के जो चीज़ें हम बात भी नहीं कर सकते और नॉर्मली डिस्कशन करने में भी शर्म आएगी उसको ये लोग बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं और बेझिझक इसके ऊपर अपना वक्तव्य भी रखते हैं। शॉर्ट, क्लियर कट और पॉइंट टू पॉइंट बातें होने की वजह से ये वेब सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है लोगों को और लोग इसके चाम में खो जाते हैं। रियलिस्टिक अदाकारी और बेहतरीन स्क्रिप्ट, ये सब वेब सीरीज की खासियत है। मगर दोस्तों, अगर हम कुछ वेब सीरीज के अच्छे गुणों को छोड़ने के बाद अगर इसके स्क्रिप्ट को या फिर डायलॉग डिलीवरी को या स्टोरी को ध्यान देते हैं तो मिलता है कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी है जो कि नॉर्मल ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है या फिर समाज को एक गलत मैसेज देती है और लोगों को ये ज्यादा पसंद भी आ रहा है। स्टोरी के नाम पे मारकाट, वायोलेंस, किडनैपिंग, मनी रॉबरी और सेक्स जैसे चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और लोगों को इसको देखने का नजरिया भी बदल दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आजकल एक अच्छे वेब सीरीज को हिट करने का सबसे बेस्ट आइडिया है उसके अंदर कुछ मारकाट के सीन डाल दो, गाली गुलौज डाल दो और 10-12 सेक्स वाला सीन डाल दो जिससे लोग आकृष्ट होके इसको देखते हैं और व्यूअरशिप लेके ये अपना पैसा कमाते हैं। मगर ये नॉर्मल यूजर्स के लिए कितना अप्रोप्रिएट है ये जानने की और समझने की बात है। अगर हम 2018 से लेके अभी तक के वेब सीरीज को देखें तो पता लगता है कि ऐसे स्क्रिप्टेड वेब सीरीज सबसे ज्यादा चलते हैं और ज्यादा पैसे भी कमाते हैं, चाहे वो सेक्रेट गेम्स हो, मिर्जापुर हो या फिर पाताल लोक। हर जगह पे ऐसे वायलेंस का बोलबाला चल रहा है और यही वेब सीरीज के सक्सेस होने का मूल मंत्र भी बन चुका है। इन वेब सीरीज में दिखाए गए रोमांटिक सीन्स को आप आपके पेरेंट्स के साथ या फिर करीबी रिश्तेदार के साथ भी बैठ के नहीं देख सकते। कुछ चैनल्स है जैसे ALT बालाजी, उल्लू, फ्लीच केवल अपने चैनल्स में सेक्स रिलेटेड टॉपिक ही डाल रहे हैं जिसको लोग ज्यादा देखने के लिए आ रहे हैं और इनका सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत कम होता है जिसके वजह से सब रजिस्टर भी कर रहे हैं। बड़े चैनल्स जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, इस पे भी ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि आपको वो सेक्स रिलेटेड टॉपिक ना दिखाएं और ये सब टॉपिक को बैन किया जाए। हम ये मानते हैं कि वो अपने डिस्क्लेमर में लिखते हैं कि ये 18+ है, अडल्ट है, जिसके लिए आप एलिजिबल हो तो देखो, मगर इसे वेरीफाई कैसे करते हैं इसका कोई पैरामीटर नहीं है। और जानने की बात ये भी है दोस्तों, जैसे फिल्मों में सेंसर बोर्ड होता है और अनअप्रोप्रिएट चीजों को काट दिया जाता है, वैसे वेब सीरीज में कोई सेंसर बोर्ड है नहीं, अगर है भी तो भी इतने कारीगर है नहीं। बच्चे से लेके बूढ़े तक जिसके पास सब्सक्रिप्शन प्लान हो वो ये वेब सीरीज आराम से देख सकते हैं। मगर दुख की बात यह है दोस्तों, जब इन वेब सीरीज में फैमिली को लेके कुछ अलग या फिर कुछ गलत दिखाया जाता है, रिलेशनशिप में जबरदस्ती सेक्स को लिया जाता है और अपना जो संस्कार है, जो परंपरा है भारत का, उसको तोड़ दिया जाता है,
हम कोई रिलीजन के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, मगर ये सच्चाई है। जैसे मूवीज में बी ग्रेड सिगरेट दे के मूवीज को बैन किया जाता है या फिर रिलीज को लिमिटेड किया जाता है, वैसे वेब सीरीज का कोई लिमिटेशन नहीं है। लोग कहीं पे भी एक्सेस करके कभी भी इंटरनेट के थ्रू इसको देख सकते हैं और जो भी मैसेज दिया जा रहा है उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वायलेंस, सेक्स, ड्रग्स, ये तीनों चीज के बिना कोई अच्छी वेब सीरीज तो आजकल बन ही नहीं सकती है। दोस्तों, यहाँ पे और भी कुछ ऐसे वेब सीरीज है जहाँ पे फेक रिलीजन, फेक फेमिनिज्म और फेक कंटेंट के नाम पे कुछ भी दिखाया जा रहा है और लोगों को ये कितना दूर तक पसंद आ रहा है वेब सीरीज के निर्माता वो भी नहीं सोच रहे हैं। चाहे वो कितना भी क्रिटिसाइज हो, प्रोड्यूसर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 चलता ही रहता है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फोर मोर शॉट्स। इससे ज्यादा घटिया वेब सीरीज शायद ही मैंने कुछ देखा होगा। और सही बोलूं दोस्तों, ये इलॉजिकल वेब सीरीज है जिसका कोई भी स्टोरी लाइन नहीं है या फिर फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी दिखा रहे हैं। और हंसी की बात यह है, सीजन 1 के अपार फ्लॉप के बाद सीजन 2 भी आ चुकी है। वेब सीरीज जैसे गंदी बात, जिसके नाम से ही गंदापन निकल के आ रहा हो, चरम सुख, ये सब ऑडियंस के लिए कितना एप्रोप्रिएट है उसे आप ही तय कीजिए। एक समय ऐसा भी था जहाँ पे हम पूरा फैमिली बैठ के टीवी देखते थे और बोला जाता था मूवी टाइम इज द फैमिली टाइम। आज के दौर में अगर हम वेब सीरीज ऐसे देखने जाए तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। दोस्तों, ना केवल फेमिनिज्म, ऐसे भी कुछ लिबरल्स है जो कि अपने एक्टिंग को इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि वो ये तक भूल जाते हैं कि उनके एक्टिंग का दायरा कहाँ तक होता है। कैमरे के सामने आके अपने अंदर के हवस को दिखाना और उसको एक्टिंग के थ्रू लोगों को जताना, ये आजकल के वेब सीरीज का फैशन बन चुका है। कभी कभी ये भी लगता है ये जो डायरेक्टर्स हैं और जो स्क्रिप्ट राइटर है वो अपने अंदर का हवस को लोगों को जताने के लिए ये वेब सीरीज बना रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि एक साफ सुथरा वेब सीरीज तो एक मिथ ही है। इसमें बोलने में कोई दोहरा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पॉर्न तो बैन कर दिया, मगर ये वेब सीरीज वही पॉर्न इंडस्ट्री को दोबारा चला रहे हैं और सॉफ्ट पॉर्न के नाम पे हमें बगला रहे हैं और गलत चीजें दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं इसको रोके कैसे। दोस्तों, पहला सबसे बड़ा स्टेप तो यही है कि जो कंटेंट अच्छा नहीं है उसे देखे ही नहीं। दूसरा ये भी है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। ऐसा कोई बोर्ड होना चाहिए जिसके माध्यम से ये तय किया जाए कि कौन सा वेब सीरीज को रिलीज किया जाएगा, कौन से वेब सीरीज को रिलीज नहीं किया जाएगा, या फिर कोई भी चैनल इसको रिलीज करता है तो उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए वो पहले से ही तय किया जाएगा। यहाँ पे हम ये सोचेंगे कि हाँ, वो तो पहले लिखा जाता है कि 18 प्लस है कि नहीं है, मगर पैरामीटर इस तरीके से सेट किया जाए कि केवल 18 प्लस लोग देख सके या फिर ज्यादा से ज्यादा 18 प्लस और अडल्ट लोग इसको देख के समझ सके। जैसे फिल्मों का बोर्ड होता है जो कि कंटेंट को पास करता है, पता करता है कि कंटेंट कितना एप्रोप्रिएट है और नहीं, और एक वेब सीरीज के लिए भी सेंसर बोर्ड रहना चाहिए जो कि ये तय करे कि ऑडियंस तक कौन सा कंटेंट पहुंचे और कौन से कंटेंट को काट दिया जाए। चैनल जैसे कुकू, एलटी बालाजी, उल्लू, फ्लीज, ये सबको बैन करना चाहिए या फिर इनको बहुत लिमिटेड एक्सेस मिलना चाहिए कि यूजर्स को इनका कुप्रभाव इतना ज्यादा ना पड़े। और एक्टर्स को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो बातें आके ऑफ स्क्रीन बोलते हैं, न्यूज में बोलते हैं, चैनल्स के माध्यम से इंटरव्यू में बोलते हैं, उस चीज को अपने ऊपर भी ले और यूजर्स को ऐसे चीजें पे भी ना दिखाए, ना बोले जो वो अपने फैमिली के साथ खुद भी करना पसंद नहीं करेंगे। पैसे के लिए कभी भी अपने कपड़े उतार देना, कोई भी गाली गुलौज करना, निधि के ऊपर आके किसी को भी कुछ भी बोल देना और कोई भी रिलीजन को लेके कोई भी टिप्पणी कर देना कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होता है। दोस्तों, ऐसी भी कुछ वेब सीरीज है जैसे कि फैमिली मैन, कोटा फैक्ट्री, पंचायत, जिसको देखने में दिल को सुकून मिलता है और आप आपके फैमिली के साथ बैठ के देख भी सकते हो, जहाँ पे गाँव का एक अच्छे से स्टोरी को नैरेट करके दिखाया जाता है, फैमिली के अंदर होने वाले मसले को दिखाया जाता है या फिर एक स्टूडेंट के स्ट्रगल को दिखाया जाता है जो आईआईटी में टॉप करना चाहता है या फिर आईआईटीएन बनना चाहता है। इनमें ना कोई बड़े एक्टर होते हैं, ना कोई बड़े बड़े गाली दिया जाता है, ना कुछ ज़्यादा सेक्सिन होता है, फिर भी ये आपको बहुत ही एंटरटेन करता है और सबको इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ये बड़े बैनर्स के बड़े बड़े वेब सीरीज। दोस्तों, आखिर में हम ऐसे 5 वेब सीरीज के नाम बताने वाले हैं जो आपके फैमिली के साथ आप बैठ के आराम से घर के अंदर देख सकते हो और पूरे फैमिली के साथ मजा भी ले सकते हो। आइए देखते हैं उनके नाम।
दोस्तों वेब सीरीज के ऊपर हमारा ये छोटा सा रिव्यू आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आपके कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, सो प्लीज कमेंट अस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। थैंक यू।